ये बेशरम औरत पिंकी चाहती है कि यहाँ भी हम ले लें, यहाँ भी हमारा बच्चा राज करे, और जहाँ सोनू है वहाँ का भी जायदाद प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ले। मतलब हर तरीके से ये लालची औरत इतनी गिरी हुई है, इतनी चटोरी है कि तो किसी का पति को चोरी करती है, जूठन खाती है, जूठन खोर, बेशरम औरत, पति चोर। और सोनू जो है शुरू से ही चीज़ों को शेयर करते आ रही है। कभी भी सोनू जो है पिंकी के बारे में कभी भी बुराई नहीं किया है, मगर ये औरत खुद के लिए, खुद सेल्फिश, खुद की खुशी के लिए उस सीधी औरत का ज़िंदगी बर्बाद कर दिया, सोनू का। जो औरत जो है अपने पति के लिए 14 सालों से नहीं लड़ी, अपने पति को 14 सालों से अपने पास नहीं खींच पाई, अपनी तरफ नहीं कर पाई, वो औरत के चरित्र के ऊपर उंगली उठाया कि सोनू भाग गई थी दूसरे लड़के के साथ, तब जाके विकास जी हमारे रिलेशन में आए और हम दोनों का शादी हुआ। मतलब ये औरत इतनी घटिया, इतनी गंदी है ये औरत, इतनी बेशरम कि इसके बारे में जितनी गंदा शब्द बोलो ना उतना कम है। और जो कैमरामैन है ना पिंकी का घर में, अभी पिंकी जो भी वीडियो शूट करती है, पूजा पाठ करती है, अभी मैंने देखा था पिंकी का कि नवरात्रा का पूजा करते हुए अपने बच्चे के साथ पूजा कर रही है, मगर जो कैमरे के पीछे जो इंसान है ना, कैमरामैन जो बना हुआ है, वो कोई और नहीं, विकास खुद है। ठीक है, तो अपनी पहली पत्नी का ऐसा हेल्थ कंडीशन में भी ये बंदा बेशरम अपनी पत्नी के पास नहीं जा रहा है, उसको सराहना नहीं दे रहा, उसको प्रोत्साहन नहीं दे रहा है कि चलो सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम तुम्हारे साथ हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करिएगा। और दोस्तों आज हम फिर से बात करने वाले हैं पिंकी, सोनू और विकास के बारे में। दोस्तों अगर आप इंस्टाग्राम पे सोनू और पिंकी का अगर देखते होंगे रील, तो आपको पता होगा कि सोनू का जो कंडीशन है ना, हेल्थ कंडीशन जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब है, और सोनू का ब्लड भी चढ़ रहा है, मतलब इतना ख़राब है कि मत पूछो। और इस कंट्रोवर्सी का शुरू तो कर दिया है पिंकी ने, मगर इसका एंड नहीं किया है। दोस्तों मैंने पिंकी का भी रील जाके देखा, पिंकी का भी वीडियो मैंने जाके देखा, पिंकी भी नवरात्रि का, दुर्गा माता का पूजा कर रही है अपने बच्चे के साथ, फैमिली के साथ। और कैमरामैन कौन है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, मिस्टर विकास खुद ही है कैमरामैन। भले आप लोगों के सामने कुछ भी बोले पिंकी कि विकास हमारे साथ नहीं है, मगर पब्लिक आपको भली भांति अच्छे से समझती है कि आप कितने शतरंज के, कितनी बड़ी चालबाज हैं, किस तरीके से आप चाल कर रही हैं। अपनी फैमिली, बच्चे के साथ तो आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, भले लोगों के सामने आप दुखी होकर दिखा रही हैं, मगर अपनी जो कंट्रोवर्सी आपने क्रिएट किया है ना, उससे तो आपको तो कुछ हुआ नहीं हुआ, मगर किसी के जान के ऊपर बन आई है। वो है सोनू का हेल्थ जो है बहुत ज़्यादा ही नाजुक है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। भगवान ना करे कुछ ऐसा हो, अगर सोनू को कुछ अगर हो जाता है तो उसके बच्चे का कौन देखरेख करेगा। सोनू का ऐसा कंडीशन में भी विकास जो है सोनू को देखने तक नहीं गए हैं, ऐसा कौन सी मतलब दुश्मनी हो गई सोनू से। विकास को मैं बोलना चाहूँगी कि जब आपको पिंकी से ही शादी करना था तो आपने सोनू का ज़िंदगी क्यों बर्बाद किया। इसको पहला प्यार हो जाएगा ना, उसके बाद किसी से भी वो इंसान को प्यार नहीं होगा। तो विकास का पहला प्यार सोनू थी, मगर अभी मैं बोल सकती हूँ कि विकास जी जो है बहुत ही नमक हराम, तुच्छा इंसान है। दोस्तों सोनू का जो हेल्थ कंडीशन है ना बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही नाजुक हो रखा है, ब्लड चढ़ रहा है। और इस कंट्रोवर्सी का जो सबसे ज़्यादा असर पड़ा है ना, मतलब सोनू का पड़ा है, क्योंकि सोनू जो है सोशल मीडिया पे बहुत कम एक्टिव रहती है, मगर जितना पिंकी रहती है उतना नहीं रहती है। पिंकी ने तो इतनी लालची है, मैं तो पिंकी के नाम लेते ही मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि ये औरत ना, मतलब एक बसा बसाया पति पत्नी को अलग कर दिया है, बसा बसाया पति पत्नी को अलग कर दिया है। सोनू अपने पति को इस बदतमीज औरत के साथ शेयर किया, मगर ये बदतमीज औरत पिंकी ये इतनी लालची है,
इतनी सेल्फिश है, सेल्फिश बोल सकते, इतनी सेल्फिश है कि वो दूसरे की चीज़ लेने के लिए जी जान लगाएगी, मगर ये बेशरम औरत अपनी चीज़ नहीं दे सकती है, दूसरे की ही लिया हुआ चीज़ नहीं दे सकती है अगर उसकी हो गई तो। सोनू से उसका पति छीना, और जब विकास पिंकी के पास है, पिंकी नवरात्रि का पूजा कर रही है अपने बच्चे के साथ मिलके कर रही है, मगर पब्लिक को बताने की ज़रूरत नहीं है कि विकास कहाँ पे है। अभी तीनों जो है अलग अलग जगह पे हैं, मतलब अलग अलग रील बना रहे हैं तीनों का, मैंने रील जाके देखा है, अलग अलग रील बना रहे हैं। विकास जो है अपने धुन में मगन है और नाच गान कर रहे हैं, पी रहे हैं, खा रहे हैं। पिंकी अब अपनी मस्त है। जो असली असर पड़ा है ना सोनू का पड़ा है। ऐसे कंडीशन में भी विकास जो है सोनू को देखने नहीं गए। यहाँ पे मैं विकास को कुछ बोलना चाहती हूँ कि विकास इतना घटिया किस्म का इंसान है, इतना गिरा हुआ इंसान है, इतना मतलब बदतमीज इंसान है कि जो 7 जन्मों तक जीने मरने का कस्में खाया था, और विकास का पहला प्यार था सोनू, पहला प्यार थी, उसको देखने के लिए नहीं जा रहे हैं। और पिंकी ने तो कंट्रोवर्सी शुरू कर दिया है, पिंकी ने सोनू के चरित्र पे दाग लगाया है, पिंकी ने सोनू को भगोड़ी घोषित कर दिया, सोशल मीडिया पे इसकी चरित्र को बदनाम कर दिया। मगर ये बेशरम औरत इतनी करेक्टर लेस है, इतनी गिरी हुई है। वैसे तो मैं किसी के चरित्र पे हमें बोलना नहीं चाहिए, मगर जिस कंडीशन में अभी सोनू है ना, उस कंडीशन का असली जिम्मेदार जो है पिंकी है। पिंकी इतनी लालची है, इतनी लालची है कि दूसरे की चीज़ छीनने के लिए वो कुछ भी करेगी, या जब छीन लेगी तो उसको फिर वापस लौटाएगी भी नहीं। सोनू शुरू से ही अपनी चीज़ें शेयर करते आ रही है, जैसे कि आप खुद देख लो, अपने पति को शेयर किया, मगर यहीं पे पिंकी जो है, विकास जी पिंकी के साथ हैं, जो कैमरामैन बना हुआ इंसान, जो कैमरामैन है पिंकी के घर में, जो कैमरामैन है कोई और तीसरा पर्सन नहीं है, विकास जी खुद हैं। मैंने कई वीडियो ऐसे जाके देखा, एक वीडियो में पिंकी जो है अपना एक फिटनेस वाला प्रमोशन कर रही थी कि ऐसा फिटनेस का राज क्या है, विकास जी पूछ रहे थे कि यार मुझे बताओ तुम्हारे फिटनेस का राज क्या है, तो एक आईडी का मेंशन कर रही थी कि जो कैमरामैन है ना, मतलब विकास ही है, विकास ही है, ठीक है। तो अब ऐसे इंसान को आप क्या बोलोगे, और ये बदतमीज़ गिरा हुआ बेशरम औरत करेक्टर लेस, मैं तो इसके नाम लेते ही मुझे इतनी गुस्सा आता है कि जो औरत तो सब कुछ जानती थी कि जिस बंदे से मैं शादी कर रही हूँ वो ऑलरेडी शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं, बीबी हैं, फिर भी ये बेशरम औरत जो है एक औरत का बसा बसाया घर बर्बाद किया है, एक औरत का बसा बसाया घर बर्बाद किया है। और अभी नवरात्रा का टाइम चल रहा है और माता रानी के पास ये बदतमीज औरत जो है पूजा पाठ कर रही है, क्या उस औरत को, मतलब सच में मैं क्या बोलूँ, ऐसे तो कुछ बद्दुआ देना नहीं चाहिए, मगर ये औरत इतनी नीच है कि मत पूछो, मतलब एक औरत का बसा बसाया घर बर्बाद किया है बेशरम औरत। और कंट्रोवर्सी तो शुरू कर दिया, मगर कंट्रोवर्सी का द एंड नहीं किया। जिस घर में पिंकी रह रही है वो घर भी विकास और पिंकी के नाम पर है। पिंकी इतनी बड़ी लालची है, वो सोचती है कि इधर का भी घर ले लूँ, उधर का भी घर ले लूँ, पिंकी का पति भी ले लूँ, सोनू का पति भी ले लूँ, सोनू का जायदाद भी ले लूँ, मतलब जहाँ रहती है उसका सारा संपत्ति भी हड़प लूँ, और जहाँ पे मैं अपने पति के साथ रहती हूँ वो फ्लैट भी हड़प लूँ। मतलब ये औरत इतनी बदतमीज, इतनी गिरी हुई, इतनी लालची है कि भगवान उसको, इस औरत को कभी भी ज़िंदगी में माफ़ नहीं करेंगे, और इस औरत को तो इसका सज़ा मिलेगा ही मिलेगा। जो अभी सोनू फील कर रही है ना, जिस कंडीशन में अभी सोनू है, जो मुंह से जो भी लफ्ज निकल रहे हैं ना सोनू के मुंह से, इस औरत को तो एक एक शब्द इसके ऊपर बद्दुआ के रूप में बरसेगा। ये औरत के ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है।
और सोनू का कंडीशन इतना ख़राब है, इतना ख़राब है कि ऐसे कंडीशन में भी विकास जो है देखने के लिए नहीं गया है। तो यहाँ पे जो लोग बोलते हैं ना कि विकास ने दोनों से शादी किया है तो जिंदगियाँ तो दोनों को बर्बाद किया है और हक की बात है तो हक तो दोनों का मिलना चाहिए। तो यहाँ पे मैं साफ तौर पे आपसे बोल दूँ कि अगर विकास ने किसी का ज़िंदगी अब बर्बाद किया है तो वो किया है सोनू का ज़िंदगी बर्बाद किया है। ठीक है, ये बेशरम औरत इतनी ड्रामेबाज, इतनी नौटंकी बाज है कि झूठ मूठ के बोली कि हमारे रिश्ते का मतलब हम और विकास जो है डिवोर्स ले रहे हैं, 4 महीने का प्रोसेसिंग है, जो कि सभी लोग जानते हैं कि डिवोर्स में जज जो है रिश्ते को, पति पत्नी के रिश्ते को सुधारने की कोशिश करता है और 6 महीने 1 साल का टाइम देता है कि आपस में दोनों का अगर रिश्ता सुलझते हैं तो आपस में डिस्कस करके समझौता कर लो। मगर ये बेशरम औरत पब्लिक को इतना पागल बना रही है, बोल रही है कि 4 महीने में हम दोनों अलग हो जाएंगे, प्रोसेसिंग चल रहा है। तो इसको खुद पता नहीं है कि डिवोर्स के बारे में कि कैसे क्या होता है, मगर ये बेशरम औरत इतनी पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया, इतनी झूठा सा अपने आप को दिखाया, ये औरत इतनी झूठी है, इतनी झूठी है कि इसकी एक भी बातों पे भरोसा करने लायक नहीं है। और जो लोग बोलते हैं कि शादी विकास दोनों से किया है, दोनों का हक होता है प्रॉपर्टी में या कोई भी चीज़ में, तो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ कि अगर विकास ने किसी का ज़िंदगी बर्बाद किया है तो वो है सोनू का ज़िंदगी, क्योंकि ऐसा भी नाजुक इसका कंडीशन है, ऐसे कंडीशन में भी ये बेशरम इंसान आदमी विकास जो है देखने के लिए नहीं जा रहा है, तो क्या उसको कौन से उसकी ज़िंदगी में उसको कौन सा सुख दे दिया होगा? आप खुद बताइए, जब से पिंकी के साथ शादी रचाया है, जब से पिंकी शादी किया है विकास के साथ, पिंकी इतनी मतलब घटिया इंसान है कि कभी भी नहीं चाहती है कि मेरा विकास जो है, मेरा पति जो है अपनी पहली पत्नी के पास जाए, मेरे सौतन के पास जाए। ये औरत इतनी दिल से एकदम काली है, इतनी गिरी हुई घटिया किस्म की औरत है ना, ये सेल्फिश औरत है, सिर्फ चाहती है तो बस अपने बारे में सोचती है कि दुनिया की सारी खुशी जो है मुझे मिले और सोनू को भगवान हर तरीके से इसको मतलब ख़त्म कर दे। ये औरत का यही एक काली सच्चाई है। तो माता रानी का भी दीन है, अगर ये औरत, ये बेशरम औरत अगर किसी औरत का बसा बसाया घर उजाड़ा है तो माता रानी इसका भी हिसाब लेंगी इसको अच्छे से, और महाकाल के मंदिर में जाके आंसू बहा रही है ये औरत। इतनी मतलब ड्रामेबाज, नौटंकी बाज है कि लोगों को दिखाती है कि सच में हमें दुख है, मगर जो कैमरामैन है कोई और नहीं, विकास खुद ही है। तो कंटेंट बना रहा है, मगर खुद के लिए तो कंटेंट बना रहा है, खुद तो पब्लिसिटी पाने के लिए किया है पिंकी ने, मगर इस बेशरम औरत का कंटेंट और कंट्रोवर्सी के चक्कर में किसी और की ज़िंदगी जा रही है, किसी और का हेल्थ खराब हो रहा है। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।